आप इसको धन्य क्यों कहते हैं? व्यास जी बोले, मैं कलयुग को धन्य इसलिए कहता हूँ कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना अधिक आसान है। कलयुग में निरंतर केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, यह दूसरे युग में संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में भी कलयुग की यह महिमा गाई गई है। साधारणतः भगवान नाम का जप करने से निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति होती है, परंतु इस मार्ग में विघ्न पड़ सकते हैं। सबसे भयानक विघ्न है विष्णु भक्त का अनादर करना, और दूसरा भयानक विघ्न है शास्त्रों की अवहेलना करना। शास्त्र भगवद विधान है, कभी कभी शास्त्रों का कोई कोई विधान हमको गलत जान पड़ता है। ऐसी अवस्था में हमको अपनी इस आस्था पर दृढ़ रहना चाहिए कि शास्त्रों में गलती हो ही नहीं सकती। हमारी ना समझी से शास्त्रों के कुछ विधान वस्तुतः ठीक होते हुए भी हमको गलत जान पड़ते हैं। इसको समझने के बदले यदि हम शास्त्र विधान का अपवाद करते हैं तो इसमें भयानक अपराध होता है, तथा इस अपराध के कारण हमारा भगवान नाम जप काम नहीं देता। भगवान नाम का जप करने पर भी मांस मछली तथा दूसरी निषिद्ध वस्तुएं खाने पर आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। ब्राह्मण के लिए त्रिकाल संध्या न करना भी एक अपराध है। सारांश यह है कि शास्त्रों ने जो विधान किया है उन कर्मों को जहां तक हो सके पालन करना चाहिए, तथा शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध कर्मों से सदा बचना चाहिए। शेष समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान नाम निरंतर लेते रहने का फल बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हे प्रभु, तुमने अपने बहुत से नामों की रचना की है, तुमने अपनी सारी शक्ति उनमें अर्पित कर दी है, तथा नाम जप के द्वारा स्मरण करने के लिए किसी समय विशेष का नियम नहीं रखा है। ऐसी तुम्हारी कृपा है, सब अवस्थाओं में तुम्हारा नाम स्मरण किया जा सकता है, परंतु खेद है कि दुर्भाग्यवश तुम्हारे नाम में मेरा अनुराग नहीं पैदा हुआ। अब मैं भगवान नाम के गान की महिमा पर ऋग्वेद संहिता की एक ऋचा उद्धृत करके इस लेख को समाप्त करूंगा। ऋग्वेद में आता है, हे विष्णु, मैं आपके श्रेष्ठ नाम के सामर्थ्यों को जानकर आज आपके प्रसिद्ध नाम का कीर्तन एवं आपका गुणगान करूंगा। जय श्री राधे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की और जानेंगे कि इस चक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर यह चक्र संतुलित या असंतुलित हो तो उसके क्या लक्षण है, और कैसे हम एक इम्बैलेंस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं, इसके लिए कौन सी ध्यान की विधि है, यानी मूलाधार चक्र से जुड़ी हर बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित सात चक्रों की श्रृंखला में मूलाधार पहला चक्र है, और इस चक्र की लोकेशन हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में, यानी कि हमारे स्पाइन के बेस में और हमारे एनस और जिनेटिल्स के बीच में होती है। मूलाधार एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बने, मूल आधार यानी कि बेसिक फाउंडेशन। तो जिस प्रकार आप एक मजबूत नींव के बिना मकान नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार आप मजबूत मूलाधार चक्र के बिना एक सफल और खुशहाल जीवन भी नहीं जी सकते। यदि आपको जीवन में सफलता, जोश, उत्साह, एनर्जी और इंस्पायरेशन चाहिए तो मूलाधार चक्र का सक्रिय होना इसके लिए बहुत जरूरी है। साधारणतया हम मूलाधार चक्र में ही अधिकतर जीते हैं, या यूं कहें कि मूलाधार ही एकमात्र हमारा ऐसा चक्र है जो अधिकतर सब इंसानों में थोड़ा ना बहुत जागृत रहता ही है, क्योंकि यह चक्र हमारी मैटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड की जरूरतों को पूरा करता है, हमारी बेसिक
बॉडी नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान आदि को प्राप्त करने की ताकत हमें मूलाधार चक्र से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन में सुरक्षा सिक्योरिटी स्थिरता स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग भी इसी चक्र के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। इंसानों में यह चक्र लोवेस्ट यानी सबसे निचला है, पर जानवरों में यह चक्र हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा है। कुंडलिनी योगा में मनुष्य को एक वृक्ष की भांति दर्शाया गया है, जिसमें पहले चक्र यानी मूलाधार को वृक्ष की जड़ों के रूप में और अंतिम चक्र यानी क्राउन चक्र को सहस्रार चक्र को वृक्ष की खिलावट के रूप में दर्शाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें पृथ्वी में ही है, भूमि में ही है, और मूलाधार चक्र का जो तत्व है वह भी पृथ्वी तत्व ही है। और मूलाधार चक्र जिसे इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है, तो यह चक्र अपनी रूट्स यानी जड़ों के द्वारा हमें भूमि से पृथ्वी से ग्राउंडिंग करके रखता है, मतलब हमें फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ कर रखता है। उदाहरण के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन जंक्शन बॉक्स को तांबे की तार से ग्राउंडिंग करता है, वैसे ही मूलाधार चक्र हमें पृथ्वी से ग्राउंडिंग करके रखता है। और मूलाधार चक्र की अन्य विशेषता यह भी है कि इसी चक्र पर कुंडलिनी शक्ति भी वास करती है और इसी चक्र पर हमारी सूक्ष्म शरीर की तीन प्रमुख नाड़ियां ईड़ा टिंगला और सुषुम्ना का भी वास है। इसके अलावा मूलाधार चक्र की कर्मेंद्री यानी ऑर्गन ऑफ एक्शन गुदा द्वार है और जननेंद्री यानी ऑर्गन ऑफ सेंस नाक है और तन्मात्रा यानी इंद्री सेंस स्मेल है। यही कारण है कि जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो गुदा द्वार के नजदीक खुजली होने लगती है और सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। और हालांकि मूलाधार चक्र विशेष रूप से हमारे भौतिक विकास से जुड़ा होता है, यानी इसी चक्र की सक्रियता से ही हमें जीवन में धन की प्राप्ति यानी आर्थिक सुरक्षा मिलती है, लेकिन यही चक्र हमें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाने में भी सीढ़ी की तरह भी काम करता है। जैसे जैसे कि व्यक्ति एक इंद्रधनुष की तरह अगर हम मान ले, रेम्बो की तरह मान ले, और जैसे रेम्बो में 7 रंग होती हैं, ठीक ऐसे ही इंसान में 7 रंगों के 7 चक्र होती हैं। और यह 7 चक्र 7 सीढ़ियों की तरह है, जिसमें मूलाधार चक्र पहली सीढ़ी है और यही पहली सीढ़ी हमें अंतिम यानी परमात्मा तक लेकर जाती है। इसलिए यदि हमें ऊपर के चक्रों पर भी यदि जाना हो तो पहले नीचे के इस पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। खैर, मूलाधार चक्र की विभिन्न विशेषताएं जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यह चक्र ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमारा रूट चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है वगैरह। तो इसके लिए अब मैं आपसे कुछ लक्षण बताऊंगा आपको, जो ये इशारा करेंगे कि आपका यह चक्र बैलेंस है या नहीं है, कहीं आपका यह चक्र ओवर एक्टिव तो नहीं है या अंडर एक्टिव तो नहीं है। और अगर आप यह सिम्टम जिनकी मैं बात करूंगा या लक्षण अधिक संख्या में आप अपने जीवन में पाते हैं तो आप समझ लेना कि आपका मूलाधार चक्र खराब चल रहा है और उसे ठीक करने की यानी हील करने की जरूरत है। सबसे पहला लक्षण, एनर्जी की कमी, लैक ऑफ एनर्जी। यदि आपका मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होगा तो उसकी वजह से, क्योंकि मूलाधार चक्र पे ही हमारी वाइटल एनर्जी फोर्स निवास करती है, यही इसका मेन सोर्स है मूलाधार चक्र, तो यदि आपका मूलाधार सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपको अक्सर थकावट रहेगी, आपका स्टेमिना लो रहेगा और आपको लेजीनेस यानी आलस्य आपको घेर के रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, मोटापा या दुबलापन। क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है तो यदि आप में पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो आपका मूलाधार ओवर एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि आपको मोटापा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपका पृथ्वी तत्व आपके मूलाधार चक्र पर कम मात्रा में होगा या तो इससे मूलाधार आपका अंडर एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि आपको बॉडी में वीकनेस आएगी, दुबलापन आएगा। तो दोनों में से कोई भी एक चीज, मोटापा हो तो दुबलापन हो तो, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। तीसरी बात, ओवर ईटिंग या लॉस ऑफ एपेटाइट। या तो आप बहुत ज्यादा खाएंगे या आपकी भूख बिल्कुल
मर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र अन्नमय कोष से जुड़ा हुआ है जो कि शरीर को पोषण देने का कार्य करता है, और भोजन ग्रहण और मल त्याग करना हमारे अन्नमय कोष की क्रियाएं हैं। तो इसलिए यदि आपका अन्नमय कोष आपके मूलाधार चक्र में ओवर एक्टिव हुआ तो आप ओवर ईटिंग करेंगे, लेकिन यदि अंडर एक्टिव हुआ तो आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको जितना भोजन के द्वारा पोषण चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में आपका मूलाधार चक्र असंतुलित माना जाएगा। चौथी बात, यदि आप केवल मैटेरियलिस्टिक सोच ही रखेंगे, मतलब दुनियावी बातें सांसारिक इच्छाओं पे ही आपका बहुत ज्यादा जोर रहेगा, अध्यात्म का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र, क्योंकि ये मैटेरियलिस्टिक ही एक चक्र है, तो इसका मतलब आपका मूलाधारा ओवर एक्टिव हो रहा है जिससे कि आपकी ऐसी सोच पनप रही है। या इससे विपरीत भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाएंगे, अध्यात्मिक ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब फिर आपका जो रूट चक्र है वो अंडर एक्टिव हो रहा है जिससे कि आप संसार की कम और अध्यात्म की ज्यादा सोच रही हैं। तो दोनों स्थितियों में ही आपका ये मूलाधार चक्र इम्बैलेंस माना जाएगा। पांचवी बात, ओवर सेक्सुअलिटी, अति कामुकता या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र फिजिकल लेवल पर इंसान की टेस्टिकल्स और ओवरिस से जुड़ा होता है, तो इसलिए जो हार्मोन्स इन ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में पैदा होती हैं, यदि वो जरूरत से ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाएं, जो कि तब पैदा हो सकती हैं जब आपका मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव हो जाए, तो आपके अंदर काम भावना बढ़ सकती है, या अगर उनके हार्मोन्स डिक्रीज हो जाए, कम होने शुरू हो जाए, तो आपकी जो लिबिडो पावर है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी और आपकी कामेच्छा खत्म होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपका यदि रूट चक्रा ओवर एक्टिव होता है तो आपके हार्मोन्स एक्सेस में आ जाएंगे जिससे कामुकता बढ़ेगी, और अगर आपका मूलाधार अंडर एक्टिव होता है तो आपके अंदर दूसरे प्रभाव भी आ सकते हैं, आपको नपुंसकता आ सकती है, इम्पोटेंसी हो सकती है, या कामेच्छा में कमी आ सकती है। तो दोनों ही अर्थों में ये एक इम्बैलेंस होगा अगर आपका मूलाधार चक्र इस प्रकार से फंक्शन करता है तो। छठी बात, बीइंग स्टक, मतलब आप अपने जीवन में एक ही जगह पर अटक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आपके अंदर इतना अपने कंफर्ट जोन के प्रति इतना लगाव हो जाएगा कि आप अपनी सीमाओं से आगे ही नहीं बढ़ना चाहेंगे, आप किसी भी प्रकार के चेंज से अपने आप को रिजिस्ट करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र स्टेबिलिटी को देता है, स्थिरता को देता है, लेकिन अगर आप इतने ही ज्यादा स्थिर हो जाए कि एक ही जगह पे अटक जाए, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव हो रहा है। सातवीं बात, असुरक्षा की भावना, फीलिंग इनसिक्योर। यदि आप बहुत ज्यादा अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रखती हैं और इतना ज्यादा अपने आप को असुरक्षित फील करती हैं, अनसेफ फील करती हैं, कि आप ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, मतलब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, तो इसका मतलब आपका जो मूलाधार चक्र है वो अंडर एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यदि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा प्रॉपर तरीके से तो आपके अंदर असुरक्षा की भावना बिल्कुल नहीं रहेगी, और अगर हमारा यह चक्र अंडर एक्टिव रहे तो हम इतना ज्यादा अपने आप को असुरक्षित फील करती हैं कि हम छोटी छोटी बात पे अपने आप अपने अंदर ऐसी भावना बना के रखते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो इस प्रकार की यदि आपकी स्थिति आपके अंदर बनती है तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है। आठवीं बात, डर, एक अनजाना डर, एक फियर आपके अंदर बना रहे और बिना किसी आधार के, उसका कोई मतलब लॉजिकल रीजन भी नहीं होगा, आपके मन में एक बेचैनी और एक व्याकुलता भी सिर्फ इसलिए बनी रहेगी और आप अपने जीवन को इसलिए आनंद से जी भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके मन के अंदर एक डर बैठा रहेगा और आपको नहीं समझ आएगा कि ये डर मेरे अंदर क्यों है। तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है, डर का कारण भी। और नौवीं बात, फोकस में कमी, आप अपने माइंड को कहीं एक जगह टिका नहीं पाएंगे, चाहे आपके बिजनेस का काम हो, चाहे आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, आपकी फोकस की जो पावर है, कंसंट्रेशन जो पावर है, वो बहुत वीक हो जाएगी। और आप इसे चेक भी करना, उदाहरण के लिए यदि आप अपना ध्यान मान लीजिए अपने किसी चक्र पर लगाते हैं, मान लीजिए मूलाधार चक्र पर ही आप अपना ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो यदि तो आपको ध्यान टिकाने में कोई मुश्किल ना हो
और आप आसानी से किसी एक पॉइंट के ऊपर या चक्र के ऊपर 30-40 सेकेंड मिनट 2 मिनट तक अपने मन को टिका देते हैं, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको अपने ध्यान को टिकाने में मुश्किल हो, बार बार कुछ सेकंड में ही 2-4 सेकंड में ही आपका मन इधर उधर भटक जाता हो, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। दसवीं और अंतिम बात, अगर आपको नशा करने की लत लग जाए, व्यसन करने की आपको लत लग जाए और उसके बिना आप रह ना पाए, चाहे वह किसी भी प्रकार का नशा हो, तो इसका मतलब आपके मूलाधार चक्र में कमजोरी है, जिसके कारण से आप व्यसन के आदि हो गए हैं। तो ये तो मैंने बात की, अगर आपका मूलाधार चक्र असंतुलित हो, इम्बैलेंस हो, खराब चल रहा हो तो। लेकिन यदि आपका चक्र बैलेंस हो, स्ट्रांग हो, अच्छी तरह से वर्क कर रहा हो, तो उसके क्या लक्षण है? तो पहली तो बात, जितनी मैंने ये 10 बातें बताई हैं, ये 10 बातें फिर आपके अंदर नहीं होनी चाहिए नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस काम कर रहा है और आप अपने आप को सेफ फील करेंगे, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, माइंड हेल्थी रहेगा, आपका स्टेमिना अच्छा बना रहेगा, आपके अंदर पैशंस रहेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा, आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आप अपने आप को ग्राउंडेड भी फील करेंगे। तो इस प्रकार के लक्षण यदि आप अपने अंदर पाते हैं, तो आप समझ लेना कि आपका मूलाधार चक्र ठीक काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र को संतुलित करने की, बैलेंस करने की, कि यदि आपका यह चक्र इम्बैलेंस हो तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, हमारा मूलाधार चक्र हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, हमारी भौतिक चेतना से जुड़ा हुआ है, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो यदि इसमें आप किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको इसकी शुरुआत अपने शरीर से करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, व्यायाम। आपको किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज की फॉर्म को आपको करना चाहिए, जैसे आप सैर कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, योगा का अभ्यास कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। मीन आपको अपनी फिजिकल बॉडी पे ही किसी ना किसी प्रकार की रिपेयर को करना है, जिसका सीधा असर आपके मूलाधार चक्र पर जाएगा। दूसरी बात, आपको ऐसा म्यूजिक सुनना है हर रोज 5-10 मिनट के लिए।